एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए आप कह रहा है डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इससे पहले मेरा एक लेक्चर है थ्योरी का, अगर वो आप देख लोगे तो आपको ये प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं फिर भी आप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि चेंज करना, मतलब आपको रो टू कॉलम, कॉलम टू रो चेंज करना। किसी एक को ले लीजिए, रो को आप किस में चेंज कर दोगे, कॉलम में, ठीक है। तो यही आपका ट्रांसपोज होता है। तो देखिए फर्स्ट वाला, ठीक है, तो जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो मान लीजिए अगर ये ए इक्वल्स है, ठीक है, तो ट्रांसपोज को डैश से डिनोट करते हैं। तो देखिए एक यह है, एक कॉलम था, इसे रो चेंज कर दीजिए, 5 देन 1/2 एंड -1, ये आपका हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। सेकंड बी मान लीजिए इसे, तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स, ठीक है, इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए यानी 1-1, इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए 2 एंड 3। देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप कॉलम को ले रहे हैं तो रो में चेंज करेंगे तो ये कॉलम हुआ ना, तो रे में चेंज करेंगे तो सेम आएगा। इसे आप मान लीजिए सी, तो थर्ड वन सी ट्रांसपोज, देखिए इस बार हम कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है, ये है आपका कॉलम, ठीक है, इस कॉलम को हम रो में कर देंगे, -1√3 एंड 2, ये वाले कॉलम को, कॉलम टू को रो में चेंज कर दीजिए, 5 5 एंड 3, कॉलम थर्ड को रो थर्ड में चेंज कर दीजिए, 6 6-1, ठीक है। बस यही आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स।